इस जगह को आप सब देखेंगे आपको अपने घर के लिए बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल आइडियाज आएंगे आप क्या बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं आपके घर की जो लुक है आप इंडायरली कैसे चेंज कर सकते हैं बहुत ही इंडियन देसी चीज और जुगाड़ यूज करके जिससे आपका घर बहुत ही रिच प्रीमियम और बहुत ही इनक्रेडिबल इंडिया वाली वाइब आए हमारा जो कमरा है इस पर शिव विराजमान है इस कमरे में आपको बहुत सारे डिजाइन आइडियाज मिलेंगे जो मुझे तो बड़े अच्छे लगे पहली बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है स्टेंड ग्लास डोर्स ओके अब ये स्टेंड ग्लास डोर्स डोर्स जो हैं आपके घर को और आपके होम को इतना अच्छा कैरेक्टर देते हैं इट्स इनक्रेडिबल नाउ आई वॉन्ट टू टू लुक एट द डिटेलिंग ओके अब जैसे इंटरेस्टिंग है इससे तिजोरी टाइप है इसमें बहुत ही अच्छा प्राचीन टाइप का लुक आता है इट्स वेरी वेरी नाइस और वही बात है लाइक वन यू मिक्स द आइडिया ऑफ वहाँ पर हमारे मनोज भैया जो चुप रहे हैं इज सो क्यूट उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की किया आ जाओ भाई कोई बात नहीं इज सो क्यूट इज़ बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी योर राइट अब ये वाला जो बाथरूम है आपको दिखाना चाहता हूँ इज इंटरेस्ट बिकॉज ये बाकी सब बड़ा ट्रेडिशन है अगर आप देखोगे यू नो जो इसके मोटिव्स हैं जैसा जैसा बनाए हैं दै यू इज वेरी वेल नो दर्ट वर्क पर जो बाथरूम है वेरी लाइक फिफ्टी शेड ऑफ ग्रे कैंड विलट इट्स अरे इंटरेस्टिंग फ्लैश वाइब तो अगर आप इसको देखोगे भी जिस हिसाब से बनाया गया दस अ रेली नाइस शारोक ट्यूब कर जो कि बहुत ही अच्छा लगता है एंड आई थिंक दैट होल आइडिया ऑफ मिक्सिंग लिटली अगर आप यहाँ पर भी आपको एक साइड पे ये ट्रेडिशन दिख रहा है विच लुक्स वेरी वेरी नाइस और यहाँ पर बहुत ही प्लश बाथरूम है तो अगर आप अपने घर पर भी स्पेसिस बना रहे हैं आई थिंक वो यू टू कम्बाइन इंडियन एलिमेंट्स विद समथिंग विच इज़ वेरी पोस्ट मॉडर्न इज़ वेरी वेरी नाइस मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके जो मोटिव भी हैं स्टेन ग्लास तो मुझे इस रूम का बहुत ही बेहतरीन लगा है जो ऐसे जो ना इवन द फर्नीचर बट लुक्स वेरी 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 नाइस जो पूरी जो जगह भी है लाइक आई वॉन्ट टू एक्चुअली सी हाउ इनक्रेडिबल लुक स्पेशियस लगता है ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लॉटर है नहीं लुक्स फैंटेस्टिक मैं आपको बाहर की जगह दिखाना चाहता हूँ चले साथ में बाहर के एरियाज है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये जो बल्ब है जाता है, just, just the मुझे ऐसे भी भारत के जो bright होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हैवेली है दो you know, like, है, सौ साल पुरानी है एंड लुक इट हाउ ऐसा बड़ा ब्राइट पिंक है इंडियन आर्टिफैक्ट्स

अच्छे ब्राइट कलर्स हैं एंड आई लव द फैक्ट फैक्टरी बट अंडरस्टीटेड है अब इसका तो वाइट के साथ है सर कितना तो अच्छा लगता है इसका भी बाथरूम बड़ा प्यारा है राइट जो कहते हैं इज इज़ अस बाथप तो आप अपने घर में भी बना रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली मिक्स दिस ऐसे आपने पिंक कलर्स यूज किए बेस कलर्स यूज किए इट्स ग्रेट यहाँ पर अगर आप नहा भी बनाए बिकॉज इट्स आउटसाइड इन स्टॉफ इट लुक सो गुड लुक एट हाउ ब्यूटिफली प्लश इट इज़ इस रूम की जो डेप्थ ही है वो कितनी प्यारी है इट्स वेरी वेरी नाइस तो यू आर ऑल्सो मेकिंग अ होम

ज अ सेपरेशन अब ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज नॉर्मली हम कुर्सी हमेशा एक लेवल पर देखते हैं यहाँ पर ये एक स्टडी टेबल है और ये वाला जो चीज़ है ये नीचे ज़मीन पर है सो इट्स और वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ़ फील टू एट मुझे बहुत प्यारा लगा इट्स तो वेरी वेरी नाइस सो अपने घर के लिए आप काफ़ी डिज़ाइन एलमेंट चे तो बहुत सारे होटल्स में होता भी है बिकॉज इसलिए इसे हाफ टेबल्स जो होते हैं अपने घर के लिए इसमें बहुत सारे डिजाइन एलमेंट्स एक्चुअल कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो रूम जिसमें मैं रह रहा हूँ पहले तो मैं उसकी थोड़ी रूम को साफ सुथरा कर दूंगा मैंने वहाँ पर बहुत गंद फैलाया है पर उस रूम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पर रूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नीली वॉल जो आप घर पर जुगाड़ कर सकते हैं वो नील सस्ता और टिकाऊ माल है एंड लुक्स इनक्रेडिबल हाउ एंडबल इसके आसपास भी जब चल के भी जाते हैं इट्स नाइस फील ये इनका अच्छा सा कोर्ट यार्ड है मैं आपको इसको नीचे से भी दिखाऊंगा एंड इवी मैन यू वॉक अराउंड दिस प्लेस बिकॉज जो बेसिकली इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स इतने अच्छे से इस्तेमाल किए अगर आप इनको यूज़ करें हमारे ट्रेडिशनल टेरकोटा के घोड़े एंड यू नो जस्ट जस्ट वॉक अराउंड मुझे बहुत ही प्यारा लगा बट हाउ इट एक्चुअली फील्स ऑन ए शो यू मेरे रूम में जाने से पहले राइट right? ये वाला जो एरिया है इनका मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में इसको देखा होगा यहाँ पे एक मंदिर है एंड आई थिंक ब्लू एंड वाइट मुझे एक्चुअली हमेशा जोधपुर की याद आती है बिकॉज जोधपुर इज यू अट्स इट्स वेरी

एंड यू नो इट एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस ऐसे सेंटो पीसेस मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं अब मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ जिसकी हालत थोड़ी बुरी है पर पहले चलते हैं मेरे कमरे में अब अच्छा मेरे जो कपड़े कचरा पड़ा है उस पर ध्यान मत रखना पर ये रूम मेरा एक्चुअली फेवरेट है मैं इसलिए यहाँ पर रखा का राइट इस रूम में जो बहुत ही जो इंडिजिनस साधु वाली वाइब है वैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी एक तो पेड़ है जिसको इन्होंने हैंगर बनाया हुआ है ये पेड़ यहाँ पर होता था इसको नेचुरी रिटेन किया हुआ है ओके फ्लोरिंग के जो वुडन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इज़ अ स्कल्पचर इंडियन स्कल्पचर जो कि एम्बॉस्ड है तो अगर आप इसको देखोगे ये दीवार में से बाहर आता है एंड इट्स इनक्रेडिबल बिकॉज ये चीज़ फेस करती है मेरे बिस्तर को तो जब मैं यहाँ पर हूँ ये मेरा बेडरूम है इवन द स्मॉल डिटेलिंग अगर आप इसको घर पे ऐसे ट्राई करें फॉर एग्जांपल जैसे पुराने तरह के कैबिनेट्स और कबर्स होते हैं अच्छे हैं यहाँ पर इन्होंने हल्की सी छोटी छोटी लाइट्स दी हैं जो मैं जो सोता हुआ मुझे ऐसा लगता है पूरे दिन की अच्छी रोशनी है

मॉडर्न फिक्सचर जो अच्छा है यहाँ पर भी स्टेन ग्लास है जैसे ब्लू बड़ा अच्छा लगता है ऐसे हमारे इंडियन आर्टिफैक्ट्स हैं विच इज़ वेरी नाइस और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस रूम में एक्चुअली इस, इस, इसका बाथरूम जो पुराना डोर है यू नो दे देचुअली रिटेंड इट भले ही डोर की ऐसे अगर आप इसको अंदर से देखोगे भी इसको फॉर एक्जाम्पल ये थोड़ा टूटा फूटा है ऐसा है बट इट एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस इट्स सो इंडियन एंड इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज मैं इसी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ इसका लॉक का मैकनिज्म भी वो पुराने टाइप का यू नो मेकनिज़म है ना मुझे दूसरी चीज़ यहाँ पे सीखने को है लुक इट हाउ दिस इज एक इन्होंने ब्रांच ली हुई है ट्री की अंदर लैथ विच इज़ हैंगिंग फ्रॉम दैट ओके लव हाउ दर लुक्स शीशा भी इसके जो बॉर्डर्स हैं वो ऐसा है हल्का है इट्स लुक्स लुक्स नाइस इज वेरी इंडियन ये तो भाई मेरा फेवरेट पार्ट है यहाँ तो ऐसा लगता है मुझे पता नहीं कितने पुराने टाइम के ज़माने में जा रहा हूँ अंदर अ स्टेप आप इसमें अच्छे से नहा सकते हैं मैं तो बस नहाते हुए भी मेरा उसके बाद इसका सैनिटाइजिंग फेस वॉश फिर आयुर्वेदा इट जस्ट मैचेस हो गया मेरे को बहुत सारा पिम्पल्स हो रहे हैं इट में तो ये वाला जो मेरा फेस वॉश है जो कि सर्दमाफन डॉट कॉम पर अवेलेबल है दिस ओबियसली इज़ फॉर पिंपल्स सैनिटाइजिंग बिकॉज इसमें कोको ग्लूकोसाइड है उसकी वजह से आपके पिंपल्स कम हो जाते हैं तो ओबियसली मैं, मैं ट्रैवल करता हूँ इसको लेकर जाता हूँ बट इट्स एच अ ग्रेट प्लेस टू एक्चुअली यू नो चिल इन्होंने अब इस बड़े ट्रेडिशनल एरिया पर मॉडर्न जो लाइट्स लगाई हैं इनके डेसिंग बल्बस होते हैं जो द फीलिंग इज़ वेरी वेरी नाइस मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अपने घर पर इनकोपरेट कर सकते हैं जो छत भी है इट्स अ चटाई विद बैम्बू तो इट्स कॉर अ वेरी 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 नाइस फील इज नॉट इनक्रेडिबल पहली बात तो मुझे मेटल नोकर बड़े अच्छे लगते हैं आपके घर पे जरूर उनको यूज़ कीजिएगा तो इक वेरी नाइस इंटरेस्टिंग लुक और ये है माता दुर्गा ऐसे जो ट्रेडिशनल लॉक्स हैं एप्सली लव कितना रिच और प्रीमियम आता है पर मैं आपको एक कमरा दिखाना चाहता हूँ राइट इट्स इनक्रेडिबल बिकॉज जिस तो ये इट्स कॉर ए नाइस पिंक ब्यूटिफुल वाइब आपको इस कमरे से अपने घर के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और पहली बात तो पहले इंडिया में पुराने जमान पे जो झरोके होते थे ऐसे यू नो ऐसे विंडोज होते थे इट्स इनक्रेडिबल तो ऐसी जगह पर आप कुछ रखते हैं इट्स वेरी नाइस और जिन्होंने जो स्पेस का यूज़ किया है ना मतलब जो कलर्स हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्राइट पिंक है बीच में ऐसे पॉप करता है दिस ऑलवेज लुक्स वेरी 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 नाइस सो अब जो इंस्टाग्राम के जमाने में जब सबको ऐसी जगह चाहिए होती है जो कि इंटरेस्टिंग लगती है इट लुक्स वेरी वेरी कूल ओके okay? ये इनका बेडरूम नाउ नाउ आई वांट यू टू सी हाउ इन्होंने स्पेस को यूज़ किया इस पर इतनी सारी डेप्थ है तो अगर आप घर पर कुछ करेंगे ऐसे जैसे जो बहुत ही ट्रेडिशनल इंडियन बेड है नाउ दिस इंट्रेसिंग अगर आप इसका वर्क भी देखोगे इट्स अ नाइस गोल्ड मोटिव इट्स अ नाइस वुडन बेड यू नो इवन थिंग्स लाइक दिस जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है एक तो होते हैं कि मॉडर्न सारी चीज़ें प्लास्टिक ग्लास की बनाते हैं बट यू इवन लैम्प्स जो डिटेलिंग आप अपने घर पर अगर चीज़ें बना रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस अ नाइस इंडियन बॉक्स जो कि बहुत ही ट्रडिशनल इंडियन है इट लुक्स वेरी नाइस ऐसी ऐसी चीज़ें हमने हर बार देखी हैं जब आप इनको देखते हैं आपको यही नहीं पता चलता इनको यूज़ कैसे करना है अच्छा इसका जो स्पेस का सेपरेशन है इस पर्टिकुलर यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा एक टेबल इसी रूम के साथ अटैच और यहाँ पे दर्ज अ चेयर तो क्या होता है अगर आप यहाँ पर हैं आपकी स्पेस के लिए इतना इंटरेस्टिंग आइडिया दर्ज अ विंडो एंड दर्ज अ चेयर आइटर लेकिन इस जगह की जो मुझे सबसे अच्छी और खास बात लगी इस कमरे की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का बाथरूम इज स्टनिंग कॉर अः वेरी नाइस बाथ स्टाफ ओके विच रियली इज इसका ना इंटरेस्टिंग जब अंदर आते भी रेड लाइट और टॉप ओके अब उससे फर्क क्या पड़ता है कि इसकी वजह से जो उसकी जो सी? कैन चेंजेज इट इट्स इंटरेस्टिंग प्लस मॉडर्न है लुक sort of it? है, है, अच्छा है यू कैन इनको डिजाइन इन यूर हाउस छोटे छोटे जो लैम्प हैं फिक्सटर्स हैं जो पुराने टाइप के जो वाइट वाइट घर होते थे हर जगह जो डोर पे डिटेलिंग है तो आप जब जगह को एंटर करते हैं

Uh, देसी पना है उसको बहुत ही इनक्रेडिबल यूज़ में वे में यूज़ करते हैं अगर आपको इस वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग बात लगी जो सबसे स्पेशल बात लगी जो आप ट्राई करना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था और राइट ये एक इंटरेस्टिंग 200 साल की हवेली है जो मुझे वाराणसी में मिली एंड आई वॉन्ट टू स्टे है मुझे बहुत मज़ा आया और मैं आपको कई जगह दिखाता रहता हूँ जब भी मैं जाता हूँ मैं हर जगह को पारस भवन बोलता हूँ एंड ये था मेरा पारस भवन वाराणसी में कैसा लगा मेरे को कॉमेंट्स पर ज़रूर बताना बिग बुचीज